चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरें, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यूपी में डॉक्टरों को योगी सरकार का निर्देश, मरीजों के पर्चे पर लिखे जेनेरिक दवाएं। नेताओं के साथ जाना चाहते थे तो हम क्या करें, पहलवानों के समझौते से नाराज खाप नेता। बिहार में पुल गिरने की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर तेजस्वी ने कहा, सीबीआई वाले इंजीनियर तो नहीं है। अब केवल 500 रुपए में रसोई गैस, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना हुई शुरू। पंजाब में खड़ा हो सकता है बिजली संकट, सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर की मांग। राजस्थान में अगले 36 घंटों तक बारिश की चेतावनी, पश्चिमी विक्षोभ का भी रहेगा असर। कुरुक्षेत्र में धरना दे रहे किसानों से पुलिस की झड़प, जीटी रोड खाली कराने पर जमकर बवाल। झारखंड में आलू प्याज के दाम में काजू बेचने को मजबूर किसान, कीमत है मात्र 50 रुपए किलो। चुनाव से पहले गहलोत ने फिर खोला जादुई पिटारा, छोटी बड़ी मंडियों को फ्री में जमीन देने का किया ऐलान। माफिया मुख्तार अंसारी को सजा सुनाए जाने के बाद लगे हर हर महादेव के नारे, वकीलों ने काटा केक। मणिपुर में फिर हिंसा, उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में बीएसएफ जवान सहित 2 जवान भी घायल, किया गया एयरलिफ्ट। नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर लगाए आरोप, लिए वापस, पाक्सो एक्ट में मिल सकती है बड़ी राहत। 9 जून को जंतर मंतर पर नहीं होगी महापंचायत, राकेश टिकैत बोले पहलवानों के कहने पर लिया फैसला। आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोलकर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान पर बोले जेपी नड्डा। उड़ीसा रेल हादसा टीएमसी की साजिश, शुभेंदु अधिकारी ने बोला ममता बनर्जी पर हमला, पूछा सीबीआई जांच से डर क्यों। अरब सागर में बन रहे चक्रवाती तूफान में तेजी आने की संभावना, कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश, आईएमडी ने किया अलर्ट। अमित शाह से नहीं हुई कोई डील, बजरंग पूनिया बोले जारी रहेगा पहलवानों का प्रदर्शन। झारखंड, बंगाल और बिहार में ईडी छापे से हड़कंप, अवैध बालू खनन से जुड़ा है मामला, 1.5 करोड़ रुपए बरामद।